समस्तीपुर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर जाता दिख रहा है। 25 साल की शांभवी तपती धूप में जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। वहीं स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को तूल देकर कांग्रेस के प्रत्याशी सन्नी हजारी बाजी मार लेने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। समस्तीपुर में दोनों प्रत्याशी जेडीयू के दो मंत्री के बेटे और बेटी हैं, इसलिए शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए समस्तीपुर में ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सन्नी हजारी के पिता माहेश्वरी हजारी भी जेडीयू में कद्दावर मंत्री हैं, लेकिन पुत्र सन्नी हजारी को जिताने के लिए वो भी लगातार समस्तीपुर में कैंप किए हुए हैं। जाहिर है दो मंत्रियों की खास दांव है, ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रही शांभवी चौधरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही हैं। तो वहीं सन्नी हजारी समस्तीपुर के होने की वजह से स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को जनता के सामने रखकर पुरजोर प्रयास करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर शांभवी को घेर पाएंगे सन्नी हजारी। सन्नी हजारी समस्तीपुर से अपनी राजनीतिक विरासत पर पकड़ मजबूत करने के लिए भरपूर प्रयास करते दिख रहे हैं। सन्नी हजारी NIT से इंजीनियर हैं, वहीं शांभवी अभी PhD कर रही हैं। दोनों उम्मीदवार अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो राजनीति की बागडोर को मजबूती से थामने के लिए आमने सामने हैं। सन्नी हजारी के पक्ष में समस्तीपुर का लोकल होना एक फैक्टर है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले समस्तीपुर में घर खरीद कर शांभवी चौधरी भी स्थानीय निवासी होने का जोरदार दावा कर रही हैं। शांभवी चौधरी मीडिया से बातचीत में कहती हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा यहाँ है ही नहीं, और अगर है तो फिर मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा और रोहिणी आचार्य छपरा लोकसभा में बाहरी कहाँ जाना चाहिए। दरअसल शांभवी चौधरी लोकल बनाम स्थानीय मुद्दे को सिरे से खारिज करती हैं। शांभवी चौधरी कहती हैं कि उनके नेता चिराग पासवान ने महिला और यूथ समीकरण को मजबूत करने का काम किया, इसलिए 5 टिकटों में LJP रामविलास से दो महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। शांभवी दावा करती हैं 40% सीट महिलाओं को देना महिलाओं के प्रति सम्मान का परिचायक है, इसलिए उनकी पार्टी के नेता चिराग पासवान शिक्षा को तवज्जो देते हैं, उन जैसे नव युवती को टिकट देकर भरोसा जताए। लेकिन समस्तीपुर लोकसभा के वारिसनगर से रामप्रीत राय शांभवी चौधरी को बाहरी करार देते हुए वोट नहीं देने की बात कहते हैं। रामप्रीत राय कहते हैं कि पिछले कुछ चुनाव में समस्तीपुर से बाहरी उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं, इसलिए समस्तीपुर विकास के पैमाने पर हाशिए पर जाता रहा है। जाहिर है सन्नी हजारी के समर्थक सन्नी हजारी को लोकल मानकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का दावा कर रहे हैं।